दो तीन स्क्रिप्ट हमारी तैयार थी ना, जब हरीश भाई से मिले, हरीश भाई बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, तो हरीश भाई को मैं दो तीन सब्जेक्ट्स पिच किए बताए कि उनको ये पसंद है ये पसंद है, और मैं पता था कि ये शायद कोई नहीं बनाएगा जैसा माहौल है विदेश में उसको देखते हुए, सब राइट ही राइट है लेफ्ट रॉन्ग है, तो उस हिसाब से लग रहा था कि कोई बनाएगा तो है नहीं ये फिल्म तो, बट हरीश जी भी कुछ मेरी तरह संख्या आ रही है तो उन्होंने बोला नहीं बनाएंगे तो ये फिल्म बनाएंगे इसको बनाते हैं, और फिर हमने दो तीन महीने काम किया, फिर फिनिशिंग टचेस दिए और फिर सारी कास्ट को इकट्ठा करना, वो मेहनत या तो बस ये मुश्किल तो होता है, मगर हमारा तो बरसों से मेरे पापा के टाइम से चलता है कि हम लोग इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें अपना खुद का डिसीजन रहता है कि हम जो चाहते हैं कहीं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो किसी की मनमानी नहीं चलती और अपने हिसाब से अच्छी मूवी बना सकते। इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी आई रियली लाइक द सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माय डायरेक्टर फॉर चूजिंग मी फॉर द स्क्रिप्ट एंड माय प्रोड्यूसर मिस्टर हरीश पटेल. He has contributed a lot in this film, and I would like to thank all my co-actors, Zeeshan, Kunal, and Jaydeep, who supported me. They are such a great, great actors. They are like from theater background, so I'm like newcomer, and they supported me so much in my scripts, in my dialogue delivery, and everything. So. Overall, it was a great experience, and I'm looking forward for the release. So thank you so much. क्यों आसान नहीं हुआ है क्योंकि सबको पता ही है नॉर्मली मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वासेपुर से वहाँ पर ये चीजें नहीं होती, बाकी सब हो जाता है. तो सुनता हूँ, देखता था. आप यकीन करो जब मैं दिल्ली पहली बार गया था तो आप सोचो कि वासेपुर से निकला हुआ एक लड़का दिल्ली पहली बार पहुंचा और कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए चला गया, और कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जैसे ही घुसा तो मैं देख रहा हूँ लड़की सिगरेट पी रही है, तो आप समझ नहीं सकते मेरे अंदर में कितने थॉट चल रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ आ गया. तो उसी हिसाब से जब मैं बॉम्बे उतरा और बॉम्बे में वही लोखंडवाला बैक रोड और मलाड बैक रोड पे जो लड़के लड़की को बाइक लगा के, और ऐसा नहीं कि एक अनगिनत, तो पहले तो लगा कि कोई जुलूस है, फिर डेली देखते देखते समझ में आया कि नहीं भाई कुछ और ही है. तो ये सब यहाँ देखने को मिला. फिर सुनता था कि हाँ और एंटी रोमियो स्क्वाड है, मेरठ में चूंकि पढ़ाई की है तो सुनाई है, पढ़ाई कहाँ की है, घूमते ही दे रोड वोड पे, मैंने एडमिशन ले लिया था मेरठ में तो पढ़ाई तो कभी की नहीं. तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी कि यार मैं ऐसी स्क्रिप्ट में घुसूँ, थोड़ा सा पढ़ूँ, देखूँ, एक्ट करने को मिल रहा है, विशाल भाई ने मुझे चुना है, हरीश भाई का भरोसा है तो कुछ अच्छा करते हैं इस पे. तो मुझे एक दूसरी दुनिया भी समझ में आई जो होटल मिलन की दुनिया है. मैंने पहले बोला कि जैसा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इस वक्त लोगों में कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी या किसी पर्टिकुलर सोच या पार्टी को सपोर्ट करना एक चीज़ है. मतलब जस्ट टू ऐड कि मेरा बैकग्राउंड, मैं कानपुर का ब्राह्मण आदमी हूँ और शायद काफ़ी मंदिर घुमा हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा है, एक RSS के स्कूल में पढ़ा हूँ 12 साल, सो ठीक ठाक अथॉरिटी है इस तरह के लोगों के बारे में. बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जब आप कुछ चीज़ें देखते हो, इसका मूवमेंट 92-93 से मैं देख रहा था कानपुर में, दिल्ली में और लखनऊ में बहुत जगह, कि 14 फरवरी को ऐसा माहौल होता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब कहीं पे हस्बैंड वाइफ पीटे जा रहे हैं सोच के कि वो कपल हैं, कलकत्ता में भी हुआ हाल में ही जिसका वीडियो भी आया था, कहीं भाई बहन पीटे जा रहे हैं गाजियाबाद में, तो मतलब एक ऐसा पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अगर ऐसा कुछ 14 फरवरी को हुआ या जनरली ऑन रोड उन्होंने ऐसा कुछ देखा तो वो होने नहीं देंगे. तो इट्स वेरी क्लोज टू समथिंग जो पिछले 700-800 साल में इस देश में जिस तरह के चीज़ें हुई हैं उसका ज़्यादा असर है, ना कि हमारी उस सनातन धर्म सभ्यता का जिसके बड़े बड़े नमूने जगहों पे हैं. मतलब ताजमहल का विरोध है लेकिन खजुराहो के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जन्माष्टमी है लेकिन कन्हैया जी की भी सेलेक्टिव बातें हमें पसंद हैं जो हमें सूट करती हैं और बाकी जो चीज़ें नहीं सूट करती हैं नहीं करती. मेरी कुंडली अच्छी है कि पहली फिल्म में भी सेंसर बोर्ड ने एक भी आपत्ति नहीं की थी, मेरे जो भी आपत्ति की थी वो दुबई बोर्ड और कराची बोर्ड ने की थी, सेंसर बोर्ड ने एक भी कट नहीं दिया था मुझे, और अभी भी हमारा प्रोमो कल हो गया जो यूए होके आ गया है और एक भी कट नहीं दिया हमें कोई भी, तो मुझे सेंसर बोर्ड से कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. आई डोंट नो लोगों को कैसे होगा क्योंकि कुछ वल्गैरिटी है ही नहीं फिल्म, तो कॉन्ट्रोवर्शियल तो देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम. देखिए 4-5 लोग हैं फिल्म में, राजेश जी एक फिल्म शूट कर रहे हैं, करिश्मा को शूट कर रही हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में, जयदीप साहब अपने
गांव में है और हरियाणा में, और हम लोग काफ़ी ट्रेलर को पुश करते आए कि सबको लाया जाए, और हमने अभी प्रमोशन शूट किया है 7 दिन पहले, जिसमें जीशान भाई, जयदीप, कुणाल, हम सब लोग थे। तो आज वो सिर्फ वही मुहूर्त की बात है, निकालना है ट्रेलर, 20 दिन में फिल्म आ रही है, और ट्रेलर भी लोग देखते हैं आजकल यूट्यूब में। यूपी में हर पुलिस स्टेशन में एक एंटी डोपिंग स्क्वाड है, आपको पता है, ऑफिशियल है, और ये हुआ है पिछले 10-15 साल में, ऑलमोस्ट हर पुलिस स्टेशन में उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब वो क्या करता है हमने बस वो दिखाया, कुछ ऐसा है नहीं कि बुरा तो मन है, वो या तो वो ये कह दें कि है ही नहीं एंटी डोपिंग स्क्वाड, क्योंकि परफेक्शन है, वो भी बुरा नहीं होना चाहिए।